हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल गुजराती किचन में। आज हम बनाएंगे चने दाल के वड़े की रेसिपी। इसको दाल वड़ा या वाटी दाल के भजिए भी बोला जाता है। मैं आपको ये गुजराती स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अगर आप ये रेसिपी गुजराती में देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप ज़रूर चेक कीजिए। तो दाल वड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप चने की दाल। चने की दाल ये वज़न में 300 ग्राम है। उसके साथ मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच मूंग की दाल, 1 बड़ा चम्मच चावल, ये मैंने रो चावल लिया है, और उस कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच उड़द की दाल। तो अभी हम ये दालों को एक बड़े बर्तन में डाल देंगे। तो ये बस, और उड़द की दाल और मूंग की दाल और चावल डालने से जो हमारे दाल वड़े हैं वो अच्छे से सॉफ्ट बनेंगे। तो अभी हम इसके अंदर पानी ऐड करके अच्छे से उसको धो लेंगे। आप इसको 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए, ताकि जो भी कोई कचरा हो वो निकल जाए। तो बस ऐसे ही मसल मसल के आप उसको साफ़ कर लीजिए, तो इसका पानी निकाल देंगे। बस तो मैंने 2 बार अच्छे से उसको साफ़ कर लिया है। अभी हम और पानी डाल के उसको भिगोने के लिए छोड़ेंगे। तो बस इतना, जितना दालों के ऊपर पानी आ उतना हम डाल के उसको भिगोने के लिए छोड़ देंगे। 5 घंटे के लिए हम उसको भिगोने के लिए रखेंगे। 5 घंटे के बाद हम दालों को पीस लेंगे। तो 5 घंटे हो गए हैं, अभी हम फिर से एक बार दालों को अच्छे से मिक्स करके इसका जो पानी है वो निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारी दाल है वो अच्छे से भीग गई है। तो अभी हम इसका जो पानी है वो निकाल देंगे। हमें इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं चाहिए। अगर लगे तो एक बार साफ़ कर लीजिए पानी फिर से डाल के। मैंने मिक्सर जार ले लिया है। अभी हम इसके अंदर दाल को ऐड कर देंगे। हमें 2 बार ऐसे पीसेंगे, एक साथ नहीं पीसेंगे, ताकि अच्छे से पीसें हमारी दालें। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे तीखी हरी मिर्च, मैंने 4-5 ली है। उसके साथ लहसुन की कलियां ली है 6 से 7। ज़्यादा लहसुन पसंद है तो डाल सकते, तीखा भी डाल सकते। 1/4 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, वो ऐड करेंगे। तो अभी हम इसके अंदर पानी नहीं ऐड करेंगे, उसको मिक्सर जार लगा। अभी आप देख सकते कि मैंने ऐसे ही उसको पीस लिया है। ज़रूरत पड़े तो हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके उसको पीसेंगे। तो अभी मैं थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। उसको अभी एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर से उसको चला लेंगे, ताकि अच्छी एक पेस्ट बन जाए। और तो आप देख सकते हैं कि बस हमें ऐसे ही उसको मिक्स कर लेना है। तो ये मेरी जो दाल वड़े की जो बैटर है वो बन के तैयार है। अगर इनके अंदर कोई भी दाल रह जाती है तो चलेगा। तो अभी हम इसको एक बर्तन में निकाल देंगे। उसी तरीके से हम दूसरी दाल भी ऐसे ही पीस लेंगे, पानी कम डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने बैटर बना के रेडी कर लिया है, अभी उसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और उसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छे से नमक मिक्स हो जाए। तीखा आपको ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं, और हरी मिर्च और धनिया, फ्रेश धनिया भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। तो बस ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी हम उसको ढक देंगे और उसको 1 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे, ताकि जो हमारे दाल वड़े हैं वो अच्छे एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी बने। 1 घंटे के बाद हम उसको खोल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो अच्छा सा एक बैटर 1 घंटे के बाद अच्छा सा रेस्ट हो गया है। उसको, इसके अंदर हमें सोडा नहीं डालना है। उसको एक बार ऐसे मिक्स कर लीजिए। और गैस के ऊपर मैंने तेल को भी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो अभी बस हम उसके दाल वड़े बना लेंगे। तेल मेरा गर्म हो चुका है। जब भी हम दाल वड़े तेल के अंदर डालेंगे तब गैस का फ्लेम फास्ट रखेंगे। सब फिर आप देख सकते कि मैंने अभी दाल वड़े डालना शुरू कर दिया है। ऐसे मीडियम साइज़ के डालेंगे। सारे दाल वड़े अंदर हो जाए फिर गैस का फ्लेम स्लो करेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि आप जब भी इसके अंदर डालें जो पकौड़े हैं, तो तब गैस का फ्लेम फास्ट रखें। अभी हम गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम कर देंगे और बीच में हम उसको छुएंगे नहीं। 1 से 2 सेकंड के बाद हम उसको चम्मच की मदद से पलटाएंगे, लेकिन तुरंत ना छुए, नहीं तो जो दाल वड़े हैं वो टूट जाएंगे। तो बस अभी हम उसको ऐसे हिला लेंगे, ताकि जो दाल वड़े हैं हमारे अच्छे से सारी जगह से फ्राई हो जाए। तो बस ऐसे हिला हिला कर आप फ्राई कर लीजिए। जैसे ही हल्का लाल कलर आ जाए तब तक हमें फ्राई करना है, और बीच बीच में ऐसे हिलाते रहिए। ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम ही रहे, तब भी हमारे जो दाल वड़े हैं अच्छा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो मेरे दाल वड़े हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए, उसका कलर भी अच्छा एक रेड कलर आ गया है। तो बस अभी हम इसको एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि बस ऐसे ही हमें फ्राई करना है। तो ये अच्छे से ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हो गया है। आपको फिर से भी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको हम निकाल लेंगे। उसी तरीके से हम दूसरे दाल वड़े भी बना लेंगे, जैसे मैंने पहले बताया है उसी तरीके से। तो ये मेरे दाल वड़े बनके तैयार है। आप उसको गरम गरम सर्व कीजिए। बारिश का मौसम है तो उसको फ्राई मिर्च और प्याज के सलाद के साथ सर्व कीजिए। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा। गुजराती किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलती हूँ आपको एक ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।